सू कुटिया मारिया भी है बिच अक्त निशान पे है चक्कर उसी इन्हें भी सू मारिया भी आ बच्चे सवेरे निकल के जाते स्कूल कॉलेज नू दफ्तर नू लोग जाते उन्होंने उत्ते गंदे छिट्टे पेंदे आ बहुत बुरा हाल है जी इतना कहना बहुत औखा साड़ा नहीं होता है काम कार साढ़े फेल हुए पे ने मैं राजपाल सिंह नौ हाँ मैं इतनी इतने आई टी आई कोल ही रहने असी जाम लाने का कारण यह जी सू 2-3 महीने हो गए असी सारे को जाके आए सब चिट्ठिया भेजिया ने भी लैटरिंगा का पानी गंगा नगर का जी बाजीगर बस्ती आदा सारा पानी रोड के उत्ते आ वा बच्चे सवेरे निकल के जाते स्कूल कॉलेज नू दफ्तर नू लोग जाते उन्होंने उत्ते गंदे छिट्टे पेंदे इन्हें बीमारी लगन का खतरा वा इन रोकया जाए रोड से पानी बंद किया जाए इन्हों के साढ़े घर को आके पानी रुकता वा उत्थे ही सारा गंद पैंदा वा इन्हां दे घरां मूहरे बिल्कुल साफ सुथरा सुक्का वा जी जिन्हां दा पानी आ उन्हां दे घर को रहना चाहिए पानी कमेटी के मुलाजम आए ने आके चले जाते हैं कुछ नहीं करते हैं उन्होंने हुण JCB भेजी आ असीं खुद पैसे खर्च के मिट्टी सटाई आ भी पानी बंद कर दीए ये बाजीगर बस्ती वाले सारे लड़न आ गए हथों पाई भी छड़ना होई आ साडे सानूं कुट्टिया मारिया भी आ विच भई अक्त निशान पिया है ये चक्कर उसी इन्हें भी सू मारिया भी आ असी पुलिस को फोन किया पुलिस उस टाइम से नहीं आई हैगी और अद्धा पौना घंटे तो लड़ाई लगी हुई आ रही असी मंग करते हैं ये पानी साडा अज्जे बंद होवे और तां असी जिहदे घर का पानी आ वो अपने घर के कोल रखे अपना डब्बे ने छिड़के कुछ करे गंदा पानी है इशू ये है कि जे गंदा पानी 2 साल हो गए इधर आ रहा है साढ़े घर वाल ही जाता है ये होर कोई निकास यदा कढ़िया ही नहीं होया इन्होंने किसी पास जा ही नहीं सकता है पानी क्योंकि इन्होंने ये समस्या का हल करना चाहिए है कि दूजियां भी बीमारियां लाउंदे आ फिर जिहड़े आउंदे जांदे आ लोग उन्हां दे उत्ते छिट्टे पैंदे आ उन्हां दे एक्सीडेंट हुंदे आ कोई मोटरसाइकिल आ गिर गया कोई गड्डी वाला गड्डी मोटरसाइकिलां च मार जांदे आ ये किन्ना वड्डा नुकसान है इस चीज़ का बच्चों ते भी बच्चे हैगे आ स्कूटर कोई स्कूटियां ते जांदे आ कोई साइकिलां ते जांदे आ उन्हां ते किन्ना गंद पैंदा हैगा इस चीज़ का ये चंडीगढ़ रोड है लिंक रोड आ इह असीं कईआं दे एप्लीकेशन दित्तियां होईआं कोई हजे तक कोई समस्या का हल नहीं उन्होंने कढ़िया हैगा इन्हों कहा कि टैंकर ला लो तुम इन्होंने टैंकर 2 दिन लाने बस फिर बंद कर देंगे फिर उही पानी इधर आ जाता बीमारियां जी किसी कुछ बुखार होंगे किसी कुछ होंगे किसी ने कह बीमार हो के हटिया सारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई ने हम 2 साल हो गए असं मांग कर रहे भी पानी की कोई तो कोई समस्या ये प्रशासन हल करे ना इस चीज़ का कि दूजियां नूं भी प्रॉब्लम ना होवे ओह जिन्हां दे घर ने उन्हां अगे बिल्कुल पानी नहीं हैगा जेडे हुण साडे घर ने साडे घर दे मूहरे नाला बन के निकलदा नहीं हल हुंदा तुसीं असीं इत्थे बैठांगे जाम लावांगे फिर असीं मेन रोड जाम करांगे फिर रोड बंद करना पड़ूगा इन्ने एक्सीडेंट तां असीं करा नहीं सकदे अगे इत्थे खड़े देख के अब पानी गंदे पानी दा इशू है जी पूरा गंदा पानी लैटरिंगा दा ये होवे साल तों उपर हो गया हुण बहुत दित्तियां चिट्ठियां पाए जांदियां सारे नूं कमेटी दफ्तर भी जाया 4-5 वारी यो साहब बदल गए वो भी उन्होंने भी नहीं कुछ हल किया है बस जी सीवरेज का काम चल रहा वह बहाने लाई जाते हैं पट पटिया किया है बस 2 महीने हो गए चल आ इन्ना पट्टा ही टोया है इन्होंने बहुत बुरा हाल है जी रहना बहुत औखा मार जी खड़ा नहीं होता है काम कार साढ़े फेल हो पे ने करके इन्हें करके गंदे पानी करके आ गए काफ़ी है जी बहुत नुकसान है बस ये पानी बंद हो जाए बस जिन्हों का पानी है उन्हें कि नहीं जाए ये पानी के निकास का मैटर सीगा जी वो परली कलोनी का जोड़ा ना पानी जोड़ा गंदा पानी है वह इधर निकल रहा है ये बंदे इस गल तो थोड़े जे परेशान से भी इतों जो गंदा पानी निकलता साढ़े घर बदबू फैलती है भी ये नहीं होनी चाहिए जिदे संबंध में प्रधान नाल गल कर ली अपने म्यूनसिपैलिटी के प्रधान जी नाल गल हुई है तो MC नाल भी गल होगी वो कहते भी जिन्ने दिन तक यदा निकास सही नहीं चलता असी पक्का टैंकर ला देंगे इतों जिन्ना पानी वो कलोनी का आऊगा सारा बाहर टैंकर राही बाहर सुट दिया करांगे हाँ जाम खुलवाता जी भरोसा दवाया इन्हों भी हूँ सही होगा।